खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है। महाराजगंज में श्री बालाजी धाम हांसी हरियाणा आश्रम के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी का आगमन महाराजगंज के ब्रजमनगंज नगर पंचायत में हुआ। इस दौरान भारी संख्या में भक्तगण बालाजी महाराज की जय हो और गुरुजी की जय हो की गगनचुंबी जयकारों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। उनके दर्शन और उनका सानिध्य पाने के लिए भक्तगणों में होड़ सी लग गई। स्वागत कार्यक्रम के बाद आगामी सितंबर में होने वाले दिव्य अदालत का चयनित स्थान को खुद ही गुरुजी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण के बाद की जाने वाली व्यवस्थाओं पर स्थानीय धाम से जुड़े कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में भक्तगण आएंगे, इसलिए उनके सुविधा की सारी व्यवस्थाएं आप स्थानीय लोग सुनिश्चित करें। कोई भी बाहर से आने वाले भक्तों को असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। जय सियाराम। सभी सनातन धर्मी, जो सभी हिंदू भाई हैं, जो वेद की विधा पर चलने वाले हैं, आज मैं एक संदेश देना चाहूँगा। हमारा सनातन धर्म पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है। हम घट की पूजा, वट की पूजा, तट की पूजा, छठ की पूजा और वेद की विधा से चलने वाले हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने एक बड़ी अनुपम अद्वितीय एक परंपरा दी है कि हम प्रकृति का दोहन करते हैं, परंतु प्रकृति सर्वनाश को प्राप्त न हो, प्रकृति अपने मूल स्वरूप में बनी रहे और कोई प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार से न आए। तो ऋषि महर्षियों ने जल देव, पवन देव, वायु देव नाना प्रकार से इनकी रक्षा करने के लिए हमें धर्म से जोड़ दिया गया। कितनी उम्र हो? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से, यानी कि मद्रासी द्वारा थाना की तरफ से जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और सरस्वती दिवस के सभी लोगों को शुभकामनाएं। फतेहपुर सिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।